हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करो हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा, तो भाई सांझ घसीड़ता हमने प्रदूषण बहुत गणा फैलाया दिया। जमानु धरती जमानु बैंस रखी से बूंदी डाल, खूब पटाखे फूके से जमानु डंडा लगा रखे था सारा दिन, पटास धम 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 बुलेट बमर किमें किमें। तो वह प्रदूषण के कारण है एक बड़ी खबर आई है बे बे, ठीक है, हरियाणा के अंदर है भाई। प्रदूषण के कारण बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि भाई जगह जगह है, मतलब कि कई जिलों के अंदर है 17 तारीख तक है बंद घोषित कर दिया गया है। बंद का मतलब समझो भाई, स्कूल सकूल हैं ये बंद कर दिए गए हैं, और भी मतलब कि के नाम सरकारी ऑफिस हैं, व्हीकल हैं, इस ढाल की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बंद कर दी गई हैं। देख लो हरियाणा के कौन कौन से जिला का में है वो बंद लागू कराया गया है, या दिक्कत होगी हम इतनी भी आखम जलन हो है, सांस लेने में दिक्कत हो लोगों का। तो हमने खूब दुमे ठाए हैं भी मैं तो तरती हूँ से ले जाऊँगा। मोटरसाइकिल थोड़ा कम यूज़ करो, गाड़ी गुड्डी अरे ये मतलब कि जितना हो सके सार्वजनिक साधन हम चालो, बस बस हम ऑटो उटवा में, ठीक है, तो प्रदूषण कम होगा। तो देखो भाई किन किन जिला का में है, यो देखो यो लेटर आया है तारा, एक्शन आया है भाई कौन कौन से जिला का में प्रदूषण के कारण, एक्शन टू कर पोल्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट अराउंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली के आसपास के जोन से जिले हैं उनमा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। भाई गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत और झज्जर वाले जोन से चार डिस्ट्रिक्ट बिलोंग कर है ना जोन से जड़े, तो भाई उन उनका खातर लागू होगा यो बंद का जो कानून है, ठीक है। इसका में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके बंद रहेंगे वो देख लो भाई। एक तो आपके जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हों सारे के सारे बंद रहेंगे, ठीक है। और जो भी मतलब कि सड़कों पर व्हीकल घटाने खातर है, आपके जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करें। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, जो अगर कोई भी ऑफिस हो गया इन चार जिले का है, उनका में कही गई है कि वह अपना वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि जो व्हीकल हों कम से कम सड़कों पर आएँ। और जोन से भी व्हीकल 10 से 15 साल पुराने हैं वो व्हीकल सड़क पर उतरो, उनकी मतलब सख्ती तक चेकिंग होगी। और जिन भी 10 से 15 साल पुराने व्हीकल हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाओगी, वह सड़क पर चलने खातर ये प्रदूषण है उसका कारण, ठीक है। और के है कंस्ट्रक्शन, अरे मतलब जो भी ये मकान मकून या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का जो भी काम है, जड़ता मट्टी मुट्टी धुमे धामे अच्छी धूल दाल उठा क्रेशर बदरियाँ के काम है, ये एक्टिविटी पूर्णतः क्लोज करनी है, ठीक है। कुछ भी चीज़ है जलानी को नहीं ना उड़े, मतलब कुछ भी जो करें पलाटा में कचरे जलाए दे हैं यो कौन जलाना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हर जगह जगह, मतलब कि स्प्रिंकलिंग का प्रयोग करना है, ताकि भाई मट्टी भी ना उठे प्रदूषण ना हो, तो जगह जगह वाटर स्प्रिंकलिंग का भी प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें हैं ये आप लोगों को मतलब कि दिए गए इन चार डिस्ट्रिक्ट का में, देख लियो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन चार डिस्ट्रिक्ट का में है यो सिस्टम कराया गया। अगर प्रदूषण नहीं रुका तो और भी जिले का में यो सिस्टम कराया जा सके है, ठीक है। तो भाई अपना कोशिश करो कि भाई अपना मतलब कि जो प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण रखो, ठीक है भाई। अपना सारे ती राम राम, धन्यवाद। यह सूचना देनी थी भाई आप लोगों को।